किसी ने सही ही कहा है कि दिस वर्ल्ड इज फुलफिल्ड विथ मिस्ट्रीज, ये पूरी दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। और आज मैं आप लोगों को ऐसा ही एक रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसको जानने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि उस दिन हुआ क्या था। एक ऐसी कहानी जो कि असल दुनिया में हो चुकी है, तो हम इसे कहानी भी नहीं बोलेंगे, ये असल दुनिया में हो चुकी है। और इसको जब मैं आपको बताऊंगा, इस घटना को जब मैं बताऊंगा, तब आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। बात है 4 सितंबर 1954 यानी 4 सितंबर 1954 की, जब सैंटियागो एयरलाइंस की फ़्लाइट EWA 513 राइट टाइम से जर्मनी के एक एयरपोर्ट से 92 पैसेंजर्स को लेकर ब्राज़ील के एक शहर पोर्ट एलेग्रे के लिए रवाना हुई थी। फ्लाइट बिल्कुल सही थी, एज नॉर्मली फ्लाइट थी, जैसे सब लोग जाते थे, सब कुछ वैसे ही हुआ। और पोर्ट एलेग्रे में इस फ्लाइट को लैंड होना था, सब कुछ सही हुआ। फ्लाइट अपने राइट टाइम से उस जगह से डिपार्ट भी कर गई, लेकिन यही डिपार्चर बहुत सारे अपने साथ मिस्ट्रीज को लेकर चला गया। थोड़ी ही देर बाद वो फ्लाइट रडार से गायब हो गई। पुलिस, आर्मी, सभी लोगों ने उस फ्लाइट के मलबे को ढूंढना चाहा, लेकिन वो फ्लाइट कहीं नहीं मिली। वो फ्लाइट रडार में भी नहीं थी, पोर्ट एलेग्रे बीच में कहीं पर भी वो फ्लाइट का मतलब नामो निशान नहीं मिला, वो फ्लाइट जैसे छू हो गई। इसके बाद सैंटियागो एयरलाइंस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। धीरे धीरे समय बीतता गया, टाइम बीतता गया और अपने साथ रहस्यों को बुलाता चला गया। अब मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ उस घटना से तकरीबन 35 साल बाद की, यानी 12 अक्टूबर 1989 की घटना। ऐसा हुआ कि अचानक से पोर्ट एलेग्रे के रेडार में, जी हाँ, पोर्ट एलेग्रे के रेडार में वही फ्लाइट EWA 513 विथ सैंटियागो एयरपोर्ट लैंड हुई। किसी को नहीं पता था उसके अंदर क्या होगा। उसके गेट को फिर तोड़ा गया, नहीं, पहले उसके पायलट से बातचीत करने की कोशिश की गई जो कि हो ही नहीं पाई। फिर उसके गेट को तोड़ा गया, जी हाँ, उसके गेट को तोड़ा गया उस फ्लाइट को। और आप भरोसा नहीं करेंगे, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बात आपके रोंगटे खड़े कर देगी। वो जो फ्लाइट लैंड हुई थी उसके अंदर कंकाल ही कंकाल थे, जी हाँ, उस फ्लाइट के अंदर 92 पैसेंजर्स बैठे थे और उन 92 पैसेंजर्स के कंकाल ही कंकाल थे उस फ्लाइट के अंदर। हालांकि उनकी कमर पे अभी भी सीट बेल्ट बंधी हुई थी, लेकिन ये जो रहस्य इतना बड़ा बन चुका है कि वो फ्लाइट जब लैंड हुई थी और आराम से वो सेफली लैंड भी हो गई, कॉकपिट से बात करना चाहे कंट्रोल रूम वाले तो वो बात नहीं कर पाए पायलट से, और जब वो अंदर गए 92 पैसेंजर्स का कंकाल बन गए थे वो लोग। जल्दी से वो लोग कॉकपिट की तरफ भागे और कॉकपिट का भी वही हाल था, पायलट्स भी कंकाल बन चुके थे, उनके हाथ अभी भी लेकिन स्टीयरिंग व्हील पर थे, जो उनका कंट्रोल होता है उन पर थे। तो ये जो बात है, ये जो चीज़ है, ये अपने साथ बहुत सारे रहस्य बना रखी है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। कई सारी थ्योरीज आई हैं कि वो फ्लाइट किसी टाइम होल के अंदर टाइम ट्रेवल करके 1989 के टाइम में आ गई, लेकिन फिर वो सब कंकाल कैसे बने और वो फ्लाइट आराम से लैंड कैसे हो गई, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल क्रिएट हो रहा है कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल। सारे पैसेंजर्स अपने सीट पर बैठे हुए थे, उनकी
बेल्ट लगी हुई थी, सब लोग आराम से डिपार्ट भी हों, लेकिन वो फ्लाइट बीच में ही गायब हो गई, रडार से भी गायब, उसका मलबा भी नहीं मिला, एक भी इंसान का कंकाल नहीं मिला वहाँ पर। हाउ इज दिस पॉसिबल? पायलट भी अपनी सीट पर बैठा हुआ था, उसके भी हाथ कंट्रोल्स में थे, क्या, हाउ इज दिस पॉसिबल? कई सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और रिसर्चर्स ने इस घटना से पर्दा हटाने की कोशिश करी, लेकिन आज तक किसी ने भी पर्दा नहीं हटा पाया। बस इसके बारे में थ्योरीज आई हैं कि वो फ्लाइट टाइम होल में घुस गई थी और 1985 के टाइम में पहुंच गई थी, आई मीन सॉरी 1989 के टाइम में पहुंच गई थी। तो हमें बस थ्योरी ही पता है, रियलिटी आखिर हुआ क्या था ये कोई नहीं जानता और कोई नहीं बता सकता। सोचिए गाइस, इंसान जो है मंगल ग्रह नहीं, बहुत दूर चला गया, गैलेक्सी नेब्यूला पता नहीं क्या क्या पता लगा लिया इंसान ने, लेकिन वो अपने घर पृथ्वी को भी आज तक एक्सप्लोर नहीं कर पाया है सही से, जो कि कुछ नहीं कर सकते। इसके बारे में ब्रह्मांड पूरा रहस्यों से भरा हुआ है हमारा। तो गाइस, अब मैं अपनी बात पर आता हूँ कि मैं वीडियोस जल्दी अपलोड क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। उसका एक रीज़न है कि मैं एक्चुअली दिन भर, मतलब समझिए 1 बजे तक ऑनलाइन क्लास कर रहा हूँ, सुबह 8 बजे से। तो ऑनलाइन क्लास इतना देर मैं करता हूँ तो मेरी आँखों में लोड पड़ जा रहा है, जिसकी वजह से मैं वीडियो जल्दी एडिट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं लेकिन अपने सारे एफर्ट्स डालता हूँ कि मैं अपने सारे मतलब एफर्ट्स डाल देता हूँ कि मैं वीडियो बना पाऊँ जल्दी से जल्दी, कंटेंट अच्छा से ढूंढ के। तो गाइस, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगली वीडियो जल्दी आए, वो लेट ना हो। तो देखिए गाइस, मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो जल्दी आए। और मैं इस वीडियो से आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ। मैं देखो भाई, तुम सभी लोग कोरोना जो है, देखो वीडियो काटना मत, पूरी बात सुनो। कोरोना वायरस जो है वो फिर से इंडिया में फैल चुका है। तुम लोगों को क्या करना है तुम सब जानते हो, आप लोगों को क्या करना है आप सब जानते हो, कि हमें मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह, बेड्स, बहुत सारी दिक्कत आ रही थी अपने देश में, लेकिन हमको इस प्रॉब्लम से लड़ना है। मैं एक बात सही बताना चाहूँ, ये जो ऑनलाइन क्लास के मीम्स देखते हैं कि इस साल भी हमको स्कूल नहीं जाना वगैरह वगैरह, तो इस वक्त तुम किसी भी बच्चे से पूछो तो वो स्कूल जाना चाहेगा। तो मैं तुमसे यही कहना चाहूँगा कि तुम इस देश के भविष्य के लिए, हम सभी को इस बीमारी से लड़ना होगा। देश में अपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है और सब इस वक्त अपसेट है, सब इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन हमको इससे लड़ना है। और मैं सही बताऊं, जब मैं स्कूल गया था 1-2 दिन के लिए, मुझे इतनी खुशी मिली थी ना, बता नहीं सकता हूँ कि वो। खैर, मैं अब वीडियो दूसरी टॉपिक पर ले जा रहा हूँ। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं हाथ जोड़ के तुम सभी से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ यारो, प्लीज़, मैं कहना चाहता हूँ कि इस कोरोना वायरस को हमें हराना है, हमको अपना 100% देना होगा, 100 बात की 1, हमको इससे लड़ना है और हम इससे जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे, हमें जीतना होगा, क्योंकि हमें अपना फ्यूचर अच्छा बनाना है, हमें अपना कल अच्छा बनाना है। तो आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, क्योंकि वीडियो मैं देखो यार बहुत मुश्किल से बना पाता हूँ, इसलिए लाल वाले बटन को ज़रूर से ज़रूर ज़रूर दबा देना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।